हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे स्टडी बी सरल क्लासेस में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आइए इस नोटिस के बारे में हम आपको पूरा जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो 17/7/2021, यानी कि आज से ही आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने लगेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21/8/2021 है, और जो फीस पेमेंट है वो 2/9/2021 है। तो आप जल्द से ही इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बिज़ी हो जाती है, इसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब हम इसकी वैकेंसी के बारे में बताते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कुल वैकेंसी जो हैं वो 25,271 वैकेंसी हैं। और अभी CISF ने अभी वो CRPF ने अभी कोई वैकेंसी नहीं दी है, और ना ही NIA ने कोई वैकेंसी दी है। और मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि लगभग 50,000 वैकेंसी आएंगी, लेकिन इतनी वैकेंसी नहीं आई हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये वैकेंसी आगे इंक्रीज़ होंगी, और कितनी होंगी ये भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये 25,271 से ये वैकेंसी ज़रूर इंक्रीज़ होंगी। एज लिमिट के बारे में मैं आपको बता दूँ, एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट काउंट की जाएगी वो 1/8/2021 से काउंट की जाएगी। और जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आपकी स्क्रीन पे है। SC ST को जो 5 साल में छूट दी जाएगी, OBC को 3 वर्ष, XRMS को 3 वर्ष, और चिल्ड्रेन डिपार्टमेंट में 5 वर्ष जो आपकी स्क्रीन पे है, इसी हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। आप जिस कैटेगरी में हैं आप देख लीजिए। और एजुकेशन में आपको बता दूं, इसमें सिर्फ आपका 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। और आप इसके NCC आप देख लीजिए, जिस किसी के पास NCC में C सर्टिफिकेट होगा उसे 5% छूट दी जाएगी नंबरों में, B होगा उसे 3%, A होगा तो उसे 2% नंबरों में छूट दी जाएगी। पहले क्या होता था, NCC जिनके पास सर्टिफिकेट होता था उन्हें सिर्फ वरीयता दी जाती थी, लेकिन अब नंबरों में भी छूट दी जाएगी, यानी उनके जितने भी नंबर होंगे वो नंबर 5% बढ़ा दिए जाएंगे। ऑनलाइन फ़ीस देख लीजिए, ऑनलाइन फ़ीस जो है वो जनरल और EWS OBC की 100 है, और SC ST और ESM की कोई फ़ीस इसमें नहीं है। और देखते हैं, जो भी जानकारी महत्वपूर्ण होगी वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा, और ये जानकारी आप देख लीजिए। इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे, साफ साफ लिखा है। और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 25-25 नंबर के होंगे। रीजनिंग होगी आपकी, और GK GS होगा आपका, मैथ होगी, और हिंदी इंग्लिश में से आप जो चाहे सब्जेक्ट ले सकते हैं, 25-25 नंबर के होंगे, और 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के होंगे। आपका जो समय होगा वो 90 मिनट होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग देख लीजिए, इसमें अब की बार इसमें जो है निगेटिव मार्किंग दी गई है कि 0.25 निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग है, आपके 4 गलत होने पर 1 सही काट लिया जाएगा। ये आपका सिलेबस है, आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में हैं, GK के में है, मैथ में है, हिंदी इंग्लिश में से आप देख लीजिए। आपका फिजिकल इसमें दिया गया है, मेल के लिए जो है आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में है। और रेस 2 तरीक, जो लद्दाख एरिया जो है, लद्दाख जो उसमें आपको जो है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और मेल के लिए है, फीमेल के लिए है 800 मीटर 4 मिनट में।
हाइट आप देख लीजिए 170 सेंटीमीटर हाइट है फीमेल के लिए, 157 सेंटीमीटर। और जो छूट जो है एससी एसटी वालों की, जो जिस तरीके छूट मिली जाती है वो छूट इसमें दी गई है। जैसे एसटी वालों के लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए जिस हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आपका चेस्ट देख लीजिए 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि जो भी महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी।